अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस बार इसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बेंचमार्क ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट 5.25% से 5.50% की रेंज में चला गया है। ये 2001 के बाद इसका हाईएस्ट लेवल है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने महंगाई का हवाला देते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही बैंक ने संकेत दिया है कि ब्याज दरों में आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पोवेल ने कहा है कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती है तब तक ब्याज दरों में तेजी आ सकती है। जून में अमेरिका में महंगाई 3% थी। फेडरल रिजर्व को इसे 2% से कम रखने का टारगेट मिला है। चलिए अब ये जानते हैं कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबली क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। आपको बता दें कि जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, जिसे फेडरल फंड्स रेट भी कहा जाता है, तो ये उन ब्याज दरों के रूप में काम करता है जो बड़े कमर्शियल बैंक एक दूसरे से ओवरनाइट लोन के लिए वसूलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस फेड ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है तो कमर्शियल बैंकों के लिए एक दूसरे से पैसे उधार लेना ज्यादा महंगा हो जाएगा। जानकारों का ये कहना है कि जब भी अमेरिका का सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स बढ़ाता है तो भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट में अंतर कम हो जाता है। अभी भारत में रेपो रेट 6.50% है। इससे करेंसी कैरी ट्रेड में भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षित नहीं रह जाती है। इससे भारत से कैपिटल फ्लो बाहर जा सकता है। ऐसा होने पर रुपए में गिरावट आ सकती है और आयात यानी कि इम्पोर्ट महंगा हो सकता है। इससे आरबीआई भी रेपो रेट में तेजी ला सकता है। आरबीआई ने लगातार 2 बार से रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन अब आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। देश में जब आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना पड़ता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर्स पर भी पड़ता है। जब भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफा किया जाता है तो चिंता होती है कि इससे अमेरिका में आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, क्योंकि उधार महंगा हो जाता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जब धीमी होती है तो इसका असर भारत की आईटी कंपनीज पर काफी ज्यादा पड़ता है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर असर होता है, साथ ही डेट फंड्स पर रिटर्न भी प्रभावित होगा, क्योंकि अगर रुपए में गिरावट आती है तो महंगाई बढ़ सकती है और आरबीआई को रेपो रेट में बढ़ोतरी करनी होगी। रेट बढ़ने पर डेट फंड्स का परफॉर्मेंस गिरता है। हालांकि इसे निर्यात करने वाली कंपनियों को फायदा होगा, रुपए में उनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मौजूदा वक्त में चिंता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से विश्व भर में आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। आरबीआई की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच इंटरेस्ट रेट में अंतर बना रहे। इससे भारत में डॉलर का इनफ्लो बना रहेगा। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से डॉलर इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न में तेजी आती है। इससे डॉलर मजबूत होता है। अगर ऐसा होता है तो विदेशी निवेशक भारत जैसी इकोनॉमी से रिस्क एसेट्स को निकाल सकते हैं। इससे कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है। जाहिर है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक के पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी से आरबीआई पर भी मॉनेटरी कमेटी की अगली बैठक में रेपो रेट बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक अगस्त में होनी है। इसके साथ ही ब्याज की दरों में इजाफे का असर सोने जैसी वस्तुओं पर भी पड़ता है, जहां व्यक्ति और इन्वेस्टर सोने की बिक्री करके सुरक्षित बॉन्ड्स का आश्रय लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, ब्याज की दरों में इजाफे से ग्लोबल अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, करेंसीज इंपैक्ट हो सकती हैं, इससे सोने के प्राइस भी कम हो सकते हैं, जबकि डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाण पत्र ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट मंथ जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होनी है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।